तो समी ने नाश्ता कर लिया है, मेरी चाय जहाँ पे पड़ी हुई है। मैंने अभी नाश्ता करना है तो समी को देते हैं लंच बॉक्स, वो स्कूल के लिए रेडी हो गया है। अभी देखते हैं क्या कर रहा है, कहाँ है समीला। ये लो अपना लंच बॉक्स। कमरे की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे कमरे की हालत ये देखिए क्या हो रही है, हर चीज बिखरी हुई है। तो अभी ये समेटते हैं कमरे को, और फिर उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता करूंगी। पहले मैं काम कर लूं, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मम्मा अब करने लगी है काम शुरू। YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हंसते मुस्कुराते रहे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं, नया दिन नया व्लॉग। जैसे अल्लाह को मंजूर होगा जो भी रूटीन होगी आपसे शेयर करेंगे। अभी तो यहाँ से जो है ना समेट लें ब्लैंकेट वगैरह रजाइए, समीला थक चुका है। समीला जब भी मैं इसको कैमरा पकड़ाती हूँ कि मेरी वीडियो शूट कर दो, तब भी इसकी बाजू जो है ना थक जाती है ना, ये कमजोर सा है ना जी, जी। चलो ये चलिए मम्मा। वो समीला भी अब स्कूल जा रहा है, तो ये देखे चादरें वगैरह मैंने बिछा दी हैं। चलो अल्लाह हाफिज, ध्यान से। समीर तो स्कूल चला गया माशाल्लाह, तो अभी अपना बाकी का काम भी कर लेते हैं जो रहता है, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और नाश्ता करते हैं। लेके बाहर आओ, समीउल्ला स्कूल से आया है तो लंच बॉक्स अपना जो है ना वहाँ पे फिनिश नहीं करके आया, इसने खाया ही नहीं बिल्कुल ही। तो अभी जो है ना खा रहा है, तो मैं वीडियो बनाने लगी थी, एकदम से जो है ना चारपाई के नीचे घुस गया है। क्या हुआ था? तो आप स्कूल में लंच बॉक्स क्यों नहीं खा के आए, मुझे ये तो बताए पहले। आपको ये बताऊं कि उर्दू की कॉपी गुम हो गई, फिर सारी ब्रेक कॉपी को ढूंढता रहा, खाना खाने का वक्त ही नहीं मिला, फिर ट्यूशन टाइम मिली तो थोड़ा सा खाना खा लिया। यही फिर सारी चीजें छोड़ के तो भाग गया है, यूनिफॉर्म पहन के मदरसे की। 5:05 हो गए हैं शाम के, दोपहर को आज है ना खाना बनाया ही नहीं था, खाना बनाने की जरूरत ही नहीं मुझे पड़ी, क्योंकि रात का जो सालन बना हुआ था वो ही पड़ा हुआ था, तो रात का सालन बचा हुआ पड़ा हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ जो है ना चावल बॉईल कर लेते हैं, तो अब मैं चावल निकालती हूँ और उनको भिगो के रखती हूँ। यहाँ पे आगे हमारे चावल, चावल भी हमारे खत्म होने वाले हैं बस। चले जी अब इनको भिगोते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा और साथ में चावल के आटे की रोटी। हलवा तो ये सूजी के हलवे के साथ खाएंगे, रात को मैंने खाई है सादी चाय के साथ तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो सूजी के हलवे के साथ या फिर हमारे यहाँ साग के साथ ज्यादा खाई जाती है। हम चावलों की रोटी और सूजी का हलवा एंजॉय करेंगे आज, और साथ में मैंने चावल बॉईल किया। तो सूजी को कर रही हूँ मैं ब्राउन, ये देखे तो ब्राउन हो ही नहीं रही, गैस देखे हमारी जो आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना कैंडल जल रही हो। ये सूजी कब की लेके खड़ी हूँ कि ब्राउन हो जाए ब्राउन हो जाए, लेकिन भाई ये भी नहीं मान रही, ब्राउन ही नहीं हो रही, क्या करूँ इसका मैं। अब गैस ही हमारी है, हमारे साथ मजाक कर रही है। तो ब्राउन कर लिया हमने, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी और पानी डालती हूँ। ये जी मैंने एक मग भर के पानी का डाल दिया इसके अंदर, तो अब ये पक जाएगी। अब इसके अंदर ऑयल भी डालते हैं, आपकी मर्जी है ऑयल डालें या फिर घी डालें, तो सर्दियों में मैं ऑयल ही डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस जी। ओके शुगर,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, हम जितनी खाते हैं तो मैं तो उस हिसाब से डाल रही हूँ, आप जितनी खाते हैं कम ज्यादा तो डाल दें। तो अब इसको पकाएंगे हम, इसका पानी जो है ना ड्राई करेंगे। ये तो मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल दिए हैं, ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और मूंगफली थोड़ी सी डाली है बस, इसके अलावा कुछ नहीं डाला। तो माशाल्लाह देखिए सूजी का हलवा तैयार हो रहा है हमारा। तो आप अगर इसके अंदर फूड कलर भी डालना चाहते हैं, कोई सा भी कलर, आप येलो कलर डालना चाहते हैं, रेड कलर डालना चाहते हैं, कोई भी कलर आप डालना चाहते हैं तो डालें, मुझे कलर वाला अच्छा नहीं लगता। हलवा माशाल्लाह हमारा रेडी है, तो अभी बनाते हैं चावलों के आटे की रोटी। तवा भी गर्म नहीं हुआ, तो तवा गर्म हो जाए तो फिर रोटी बनाते हैं। तो थोड़ा सा घी डाल लेते हैं तवे के ऊपर, इसलिए डाल रही हूँ कि साथ चिपके ना। अगर नॉनस्टिक के बर्तन में आप बनाए हैं तो फिर तो ऑयल या घी डालने की जरूरत नहीं होती, तो इसके साथ चिपक जाती, इसलिए जो है ना मैंने घी डाल लिया है। डालते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी का हलवा और ये चावलों की रोटी रेडी हो गई हमारी। तो जिस जिसका दिल कर रहा है खाने का वो आ सकता है, मसाला बैठ के खाना खा सकता है। तो समी तो काफी देर से वेट कर रहा है कि कब सूजी का हलवा बने और कब मैं खाऊ, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये देखिए जी माशाल्लाह, और भी है। तो चले आज की वीडियो का यही भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। कैसा बना है? बहुत यम्मी, समी का फेवरेट है।